नमस्कार मित्रों, मैं आप सबका अपना मित्र सन ऑफ हिंदुस्तान। उम्मीद होगा मित्रों कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज फिर से बात कर रहा हूँ जो पूरे बिहार का जो स्लोगन चला हुआ है, बिहार का बवासी मनीष कश्यप। मनीष कश्यप को अब इतनी तरक्की दिख रही है इंडिया में, बिहार में खास करके, वो तरक्की को इस टाइप से मेंशन करता है कि डॉली चाय वाले के पास बिल गेट्स आ गए तो बहुत तरक्की हो गया। चाय के दुकान पर आए थे तो मेरे भाई तुमको सिर्फ वही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। जब से नेता बने हो ना, तुम अपने मुद्दे से भटक गए हो। लेकिन तुमको ये बोलने के लिए आ गए हो कि वोट दीजिए, बहुत विकास हुआ है। डॉली चाय वाला के देखिए के दुकान पर, टपरी पर बिल गेट्स आए हुए हैं, तो अब इसी को देख के लोग ठेपा देगा? इसी को देखे ना जी। बाकी तुम तो कहते हो कि महंगाई खत्म हो गया, बेरोजगारी भी अब नहीं है, डेवलप होगा तो महंगाई होगा। मानते हैं कि डेवलपमेंट होती है, थोड़ी महंगाई होती है, लेकिन इतनी भी महंगाई नहीं होती है भाई कि लोग अपना सर्वाइवल पर भी सोचने लगे कि सर्वाइव कैसे करें, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे आगे हाईली एजुकेशन में जाएंगे, इस पर नहीं बात करोगे? महंगाई नहीं है, महंगाई खत्म, तुमको महंगाई नहीं दिखेगा। तुम तो उसमें लगे हो प्राइवेट जेट में ना, तो तुमको कहाँ से महंगाई दिखेगी यार? कुछ बोलते हो तो समझ के बोलो। बाकी आप लोग मित्रों डिसाइड करें जो ये बावसीर साहब जो बोल रहे हो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ये हम स्लोगन नहीं दिए बावसीर, पूरे बिहार बोलता है भाई। इस बात को हम डिनाई कर रहे हैं कि हम इस बात को हम अभी क्लियर कर दे रहे हैं कि इस वर्ड को हम नहीं बोलते हैं। और हम क्यों बोलेंगे भाई? हम तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है। तुम अच्छा कार्य करोगे उसके भी अप्रिशिएट करेंगे, खराब काम करोगे उसके भी बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को बोलने का अधिकार है। लेकिन आजकल क्या देख रहे हैं, पहले तुम माइक वाले के सब घुसेड़ते रहता था, अब थोड़ा में कोई घुसेड़ता है माइक वाला था, तुम छटपटाने लगते हो, बस एक के बाद बोलते हो गुंडा राज, गुंडा राज, जंगल राज। तेजस्वी यादव जंगल राज किए हुए थे क्या? जबकि तुम बात कर रहे हो तो तेजस्वी जी थे क्या उस टाइम कि तुम बार बार तेजस्वी यादव को तुम टारगेट करते हो कि पूरा आरजेडी परिवार जंगल राज में लिप्त है? उसके अलावा तुम कुछ नहीं बात कर सकते हो। साहब बोलते हैं कि 2005 से पहले लाइटें नहीं आती थी, लाइटें अब आती है, लेकिन उसका बिलवा कभी देखे हो कि बिलवा कितनी आती है? करोड़ कैसे करोड़ पे यूनिट हो गया। गरीब आदमी कैसे लाइट जला रहा है, नहीं जला रहा है। गरीबी खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, तुमको बिहार के लोग बताएंगे। लाइट आती है, नो डाउट बिजली आती है, ये बात तुम्हारा सही है, लेकिन आज भी लोग आधी रात को टोका हिलाने जाते हैं, टोका हिलाने कभी देखे हो? और मीटर कौन सा लगेगा? इलेक्ट्रॉनिक, रिचार्ज कीजिए तब लाइन लीजिए, अदरवाइज लाइन कट। अब बाकी दिन आप टोका हिलाते रहे, यही विकास हुआ है? इसी विकास पर तुम वोट मांग रहे हो जी? और कोई विकास तो तुमको नहीं दिख रहा है? बिहार में 20 गो फैक्ट्री खुल गया, ये विकास हुआ, 40 गो अस्पताल खुल गया, ये विकास हुआ, 20 गो इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, 20 गो मेडिकल कॉलेज खुल गया, 20 गो बड़ा बड़ा केंद्रीय विद्यालय खुल गया, 20 गो एयरपोर्ट बन गया, बिहार में जो चीनी मिल बंद था वो खुल गया, यही विकास में हुआ जी? तो बोलो कि यही विकास हुआ है? बोलो कि हम जाते जाते जिस मुद्दा पर बात करते थे सारा लोग तो, सारा काम तो हो ही गया, तो विकास तो हो ही गया, तुम यही सोच रहे हो ना जी? यही विकास हुआ है ना, इसी पर तुम आए हो वोट मांगने? 20 गो फैक्ट्री लग गई ना, 20 गो अस्पताल बड़ा बन गया ना, 20 गो बड़ा बड़ा केंद्रीय विद्यालय बन गया ना। कुछ बोलते हो तो सोचते नहीं हो कि हम क्या बोल रहे हैं? कुछ भी नेता बनते तुम अपना ईमान बेच सकते हो, लेकिन बिहार की जनता को मत बरगलाओ। तुम अच्छे कार्य करोगे तो अच्छे बात तुम्हारे बारे में बोलेंगे, बुरा करोगे तो बुरे को भी डिनाई करेंगे। कुछ भी तुमसे पूछा जाता है तो सिर्फ चले आते हो तेजस्वी यादव के पे। तेजस्वी यादव से क्या तुमको पर्सनली प्रॉब्लम है जी? नो डाउट हम लोग प्रधानमंत्री जी को कार्यकाल को अच्छा मानते हैं, उनकी कार्यकाल अच्छा रही है,
इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि मजबूत हुई है। लेकिन मेरे भाई ये भी बता कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, उनका कैसे चलेगा? उनके बारे में कुछ सोचे हो? नहीं सोचे हो तो साहब को बोलो कि साहब अब आ गए हैं आपके पास, कुछ कीजिए सर, बिस्को फैक्ट्री लगा दीजिए, बिस्को बड़ा बड़ा आईटी सेक्टर लाइए, तब ना मिलेगा रोजगार। ये घर में खाली बैठ के अब रूम में भाषण देते हो तो उससे रोजगार मिल जाएगा क्या? अब तुमको रोजगार अब दिखती नहीं है भाई, तुम्हारे हिसाब से तो रोजगार बहुत है, कोई भी रोजगार नहीं है। तो जाओ जो चंपारण में जो चार व्यक्ति मरे हैं गुआ में, जो अनियंत्रित होकर जो बस पलटी है, वो बेचारे झोपड़ी में रह रहे थे, रात को सो रहे थे, जिसमें पांच व्यक्ति था, चार व्यक्ति का दुखद मृत्यु हो गई है, तो तुम उसके बारे में एक बार भी तो आवाज़ नहीं उठाए? कल तक तुम उसी गरीब गुरुआ को लेकर तुम उठे और आज उन्हीं लोगों को तुम भूल गया कि तुम्हारे ही बड़े भाई, हम लोग का बड़े भाई अनिकेत रंजन भैया आवाज़ उठा रहे हैं उस व्यक्ति को किसी तरह से सौ चार व्यक्ति का लाया जाए, उसके लिए वो चंदा एकत्रित कर रहे हैं। मैंने भी सरकार से आग्रह किया है कि अगर हमारी आवाज़ जाती है सरकार के पास तो भाई उस सरकार आर्थिक रूप से 10-10 या 20-20 लाख रुपये भाई लोगों को मदद करे, क्योंकि वो बहुत गरीब घर के लड़के हैं। अब वो कोई मौज करे तो गए नहीं थे मरीज का सेब, वो तो अपना रोजी रोटी के लिए निकला था भाई, 8,000-10,000 कमाने के लिए। अगर वही 10,000 बिहार में मिलता 20,000 रुपया तो क्यों जाता भाई अपना घर परिवार पत्नी बीवी बच्चा छोड़ के? सो प्लीज़ मुख्यमंत्री जी, आप उस परिवार को आर्थिक मदद जरूर करें, ये हम लोग का नम्र निवेदन है सर। और क्या बोल रहे हो भाई कि आप लोग जब युवा होंगे तो साइकिल से स्कूल और कॉलेज जाते थे, आज के लड़के लोग KTM पल्सर राइडर से चलते हैं, हायाबूसा से चलते हैं, सभी लोग चलते हैं। कभी कुछ सर्वे किए हो कि बिहार में कितने परसेंट लोग KTM और हायाबूसा से चलते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंस्टीट्यूट जाते हैं? यार कुछ भी, आज भी कितने गरीब बच्चे हैं जो अच्छे एजुकेशन के कारण वो अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं जा रहे हैं, आज भी उनके पास कोई सुविधा नहीं है कि वो जाएं, क्योंकि उनके फादर के पास उतना बैंक बैलेंस नहीं है कि वो सरवाइव अपने बच्चे को आगे चले करवा सकते हैं, एक अच्छे गाड़ी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में भेज सकते हैं। और बात करते हो कि सभी लोग KTM और पल्सर से इंस्टीट्यूट जा रहे हैं, तुम जाते होंगे, सभी लोग तो नहीं जा रहे हैं, हमको तो नहीं दिखते सभी लोग, यही विकास है? अगर KTM और हायाबूसा से लोग इंस्टीट्यूट में जाता है तो विकास तुमको दिख रहा है, लेकिन वो विकास नहीं दिख रहा है जो कितना मजदूर यहाँ से पलायन करके चला गया, कितने लोगों की मृत्यु हो गई उस भीड़ के हिस्सा बन के, जहाँ पे 100 आदमी के भी काम करने की जगह नहीं है, वहाँ 200 आदमी काम कर रहा है मजबूरी में, वो भी पे आधा पे पे, ये तुमको नहीं दिख रही है कि जो ट्रेनों में बोरा की तरफ भर भर के बोगी में लोग दिल्ली और छत्तीसगढ़ और कहाँ कहाँ लोग जा रहे हैं, वो तुमको नहीं दिख रही है, लेकिन तुमको ये दिख गए कि लोग इंस्टीट्यूट जाते हैं KTM से, तो KTM में तेलवा जो भरा रहा है ना साहब, वो तेलवा के रेटों को जरा बात करते, तो तेल के रेट के क्या मैटर है? रही बात तुम चुका रहे हो उज्ज्वला योजना के तहत तो जिसको सिलेंडर मिला है, हमको तो नहीं लगता कि दूसरा महीना बेचारा भराया भी होगा कभी, किसको पैसा है जी 1,200 रुपया सिलेंडर भराएगा हर महीना, जिसको बेटा को पढ़ाने के लिए 500 रुपया फी नहीं है, वो 1,200 रुपया कहाँ से भराएगा? सब्सिडी के नाम पर कभी कभी 79 रुपीज आता है, किसी के अकाउंट में नहीं आता है। चुनाव आया है तो 200 रुपया भी कम हुआ है, चुनाव खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगी, 500 रुपया फिर बढ़ जाएगी, यही विकास हुआ है ना, इसी को विकास कहते हो ना? तुम्हारे परिभाषा का मतलब यही विकास तुम बताना चाह रहे हो कि यही विकास हुआ है, और कोई विकास नहीं हुआ है।